मंडी में नवजात बच्चों में भूख बाधिर से सावधान करते हुए फोर्टिस मोहाली के ईएनटी माहिर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने कहा कि जन्मजात भूख बाधिर की समस्या पर पहचान तथा तुरंत कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी ही गूंगे व बहरेपन का सही मायने में सही इलाज है। नवजात बच्चों में मूक विधिर से सावधान करते हुए फोर्टिस मोहाली के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता ने विश्व स्तरीय अध्ययन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि प्रति 1000 नवजात बच्चों में औसतन एक बच्चा जन्मजात मूक विधिर का शिकार होता है। यदि उसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो वे गूंगेपन का शिकार भी हो सकता है, परंतु ज़्यादातर बच्चों की ये बीमारी की शिनाख्त ही नहीं हो पाती है या फिर ज़्यादातर देरी भी हो जाती है। इसलिए बच्चों के पैदा होने के बाद उसका माहिर डॉक्टर के द्वारा जांच करवाना चाहिए ताकि ऐसी बीमारी होने की सूरत में बच्चे का बिना देरी इलाज हो सके। डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि यदि 6 माह के अंदर ऐसे मूक विधिर बच्चों को कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी हो जाए तो बेहद शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। देरी की सूरत में पीड़ित बच्चे के दिमाग के बोलने वाले हिस्से पर 6 साल की उम्र के उपरांत सिर्फ देखकर समझने वाली दिमागी विकास हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी हो उसके नतीजे उतने ही सकारात्मक होते हैं। उसका आधा डिवाइस अंदर फिट होता है और एक डिवाइस बाहर लगता है, किंतु अब देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन, उस खोज के द्वारा टोटली इम्प्लांटेबल डिवाइस हमें लगता है 1-2 साल के अंदर अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर बाहर कुछ नजर नहीं आएगा, टोटल डिवाइस अंदर हो जाएगी और द ओनली थिंग इज कि सेल या उसको चार्ज करने का मैकेनिज्म, उस पर रिसर्च चल रही है। हमें उम्मीद है कि ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अब तो रिसर्च बहुत ज़्यादा है और कल को हो सकता है रोबोटिक इम्प्लांटेशन भी शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, इनकी बहुत स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आपके पैसे भी गवर्नमेंट देती है। एक स्कीम है जिसको ADIP एडिप स्कीम कहते हैं। अगर आपका बच्चा उस क्राइटेरिया को अडॉप्ट करता है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट शोज कि आपको 50% से ज़्यादा हियरिंग लॉस है, आपका कॉकलियर नॉकली डेवलप्ड है और अब बहरा में कोई रिस्पांस नहीं है, तो अगर ये क्राइटेरियाज होते हैं तो आपको पूरी इम्प्लांट की कॉस्ट गवर्नमेंट देने को तैयार है। तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी सरकार हमें सब बेनिफिट दे रही है तब भी हम अपने बच्चे का इलाज क्यों ना कराएं। तो आप सबसे मेरा यही विनती है कि अगर आपका बच्चा उस क्राइटेरिया में फॉल करता है उसकी जल्द से जल्द इलाज कराएं। गौरतलब है कि अब तक 400 से अधिक बच्चों के सफल कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी कर चुके डॉक्टर अशोक गुप्ता ने भी बताया कि जो बच्चे जन्म उपरांत देरी के साथ रोते हैं उन बच्चों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों में ऑडियोमेट्री टेस्टों की जरूरत होती है। इस उपरांत सीटी स्कैन तथा कनपट्टी की हड्डी की MRI द्वारा ये पता लगाया जाता है कि बच्चे के कान में धोगे जैसे सुनने वाला कुदरती यंत्र है भी या नहीं। इस दौरान उन्होंने एक अन्य पहलू पर बोलते हुए बताया कि रोबोटिक सर्जरी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को शुरू में फिजूल समझा जाता था, खासकर सिर व गर्दन के कैंसर के केसों में पहले तो इसे बेकार माना जाता था। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी न केवल संबंधित जगह तक पहुंचती है बल्कि ट्यूमर के मकुमल सफाया भी किया जा सकता है। प्रक्रिया को सरल एवं आसान भी बनाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान खून का बिना मतलब नुकसान नहीं होता है तथा रिकवरी के लिए ज़्यादा समय अस्पताल में दाखिल भी नहीं रहना पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी थायराइड के ऑपरेशन के लिए भी शानदार नतीजे देती है, क्योंकि थायराइड का ऑपरेशन शारीरिक सुंदरता को प्रभावित करता है, परंतु रोबोटिक सर्जरी एक बाल जैसे पतले तथा छोटे से चीर के साथ हो जाते हैं जो आम ऑपरेशन के निशान की तरह नज़र नहीं आता है। उन्होंने बताया कि ऐसे 100 से अधिक सफल ऑपरेशन अभी तक वे कर चुके हैं।